सीख। रात के 8 बज चुके थे, तभी कॉल बैल बजी। आरती दरवाज़ा खोलने गई। अरे वाह, आज तो जल्दी आ गए, मुझे तो लगा कि आज भी 9 बजेंगे। चलिए कोई नहीं, आप फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके लिए लेमन टी बनाती हूँ, कहकर आरती किचन में चली गई। अजय ने फ्रेश होकर सोफे पर बैठ टीवी पर न्यूज लगा दी। बेटा रौनक, जो नवी का छात्र है, पापा के पास आकर बैठ गया। कुछ मिनट बाद आरती भी चाय की ट्रे के साथ वहां आ गई। वे गपशप और चाय का आनंद ले ही रहे थे कि टीवी की न्यूज ने कोरोना के फिर फैलने की खबर से डरा दिया। आरती के मुंह से अनानास निकल गया। अरे बाबा, कोरोना ने तो फिर से अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया, उस पर एक नए वायरस का खतरा। ओह, हमें फिर से पहले जैसी ही सावधानी अपनानी होगी। इन दोनों हमें सबने लापरवाही शुरू कर दी है। बेटा रौनक सब सुन रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। तभी आरती की नज़र उस पर गई। उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ? तब वह खींचते हुए बोला, मम्मी आप तो कुछ बोलो ही मत, और हाँ, आपको कोई डर वर नहीं लगता? अगर ऐसा होता तो परसों पार्टी में जाते वक्त आप मास्क जरूर लगाती, लेकिन मेरे इतने बोलने के बाद भी आपने मुझे डांटकर चुप करा दिया कि पार्टी में अगर मास्क पहनूंगी तो सब मजाक बनाएंगे कि सबसे ज़्यादा इन्हें ही कोरोना का डर सता रहा है। मम्मी आपको औरों की नहीं बल्कि अपनी परवाह करनी चाहिए थी, इतनी भीड़ भाड़ में मास्क ना लगाना सीधे सीधे बीमारी को बुलाना। खैर आपको तो मेरी बात समझनी ही नहीं, और अब आप कह रही हो कि डर लग रहा है। बेटे की बात सुन आरती स्तब्ध रह गई। अजय भी वहीं बैठा बेटे की सारी बातें सुन रहा था पर कुछ बोल ना सका, क्योंकि उस दिन उसने भी कहा था, अरे एक दिन मास्क ना लगाने से कुछ नहीं होता। आरती मन ही मन सोचने लगी, ओह कितना कष्टकारी था वह दिन जब अजय को कोरोना ने घेर लिया था और आसपास कोई आदमी नज़र में नहीं था जिसकी मदद ली जा सके। कितना परेशान और घबराहट वाले दिन थे वे। कुछ सब कुछ उसने अकेले ही ईश्वर की ही हिम्मत और हौसले की बदौलत सहा था। हे ईश्वर, अब कभी ऐसे दुख भरे दिन मत दिखाना। फिर खुद को संभालते हुए वह बेटे से बोली, सॉरी बेटा, तुम सही कह रहे हो, अब से यह गलती नहीं होगी। मैं इतनी बड़ी लापरवाही कर रही थी जिसे सोच कर भी मन घबरा सा जाता है। बेटा समय रहते तुमने मेरी आँख खोल दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।